ओ शो का सबसे विवादित विचार है परिवार की परंपरा को समाप्त कर कम्युन की अवधारणा को स्थापित करना। ओशो की नजर में जब परिवार की जरूरत नहीं तो विवाह गौण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि एक एक परिवार में कला है, जिसको हम गृहस्थी कहते हैं वह संघर्ष, कला, द्वेष, ईर्ष्या और 2400 घंटे उपद्रव का अड्डा बनी हुई है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं कि देखने की कोशिश भी नहीं करते। बाहर जब हम निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकलते हैं, घर के सब आंसू पोंछ कर बाहर जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घर के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कला और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस कला और संघर्ष के परिणाम भी होंगे ही। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने जब मान रखा है कि विवाह कर देने से तो व्यक्ति प्रेम के दुनिया में उतर जाएंगे, अद्भुत झूठी बात है। और 5000 वर्षों में भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका, हम अद्भुत अंधे हैं। दो आदमियों के हाथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं वे आपस में प्रेम कभी नहीं कर सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में, प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहाँ कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। किंतु हम अविवाहित स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में उस प्रेम की पहली किरण का गला घोट कर हत्या कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए।